ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमलनयन, अब आप मुझे श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उसी नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अतः आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में व्योवृद और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर
लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है, यह दो दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याही हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़े हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा, राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद किया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाप कर्म करते समय मनुष्य यह नहीं सोचते कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों से विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने के विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप कर्म करने से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणी को चाहिए कि सत्यव्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा व भक्ति रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।